सर लोग मुझे पकड़ लिए हैं और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मुंह धोने वहाँ गया था और सर लोग मुझे मिल गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दीपांशु एम ब्लॉगर। तो चलिए आज कुछ नया जाएगा नए गांव और नए उमंग के साथ। मैं अभी टाटा स्टेशन में पहुंच गया हूं और यहां से मैं निकलने वाला हूं पुरुलिया के लिए। मैं जमशेदपुर का हूँ तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं टाटा स्टेशन अभी पहुँच गया हूँ और टिकट वगैरह मैंने खरीद लिया है और यहाँ से मैं शुरू करूँगा अपना जर्नी। Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. His life is a lesson. He got a new engine. फिलहाल मैं घर से थोड़ा सा लेट में निकला था तो मुझे लेट हो गया था, तो मैंने अपने पानी बोतल वगैरह भी नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ आके अपना पानी बोतल वगैरह ले लिया क्योंकि बहुत प्यास लगने वाला है गाइस, बहुत प्यास, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा है मुझे। तो गाड़ी के लिए अनाउंस हो चुका है और गाड़ी बस 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा और हम लोग जाएँगे पुरुलिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। फिलहाल मैं अभी चांडिल में हूँ और चांडिल जंक्शन अच्छा स्टेशन है, बहुत स्टेशन बहुत साफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दुकान भी है, पहले ऐसा नहीं था और अभी फिलहाल सब ठीक हो गया, देख सकते हैं चांडिल जंक्शन में दुकान भी है। तो बस थोड़ा ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे गाइस और यहां से शायद 2-3 मिनट की दूरी में हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं। और मैं यहां फंसा हुआ हूं क्योंकि मैं एक्चुअली मुंह धोने वहां गया था और सर लोग मुझे मिल गए, सर लोग मुझे पकड़ लिए हैं, बोल रहे तुम लेडीज़ में थे, तो मैंने उनसे बात भी करवाया कि मैं यहां था गाइस। तो सर लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पुरुलिया तक पहुंच गया हूं और इसके बाद मुझे यहां से बस या ऑटो कुछ ना कुछ एक मिलेगा लदुर्का गांव जाने के लिए। बस मुझे यहां से ट्रेकर मिलेगा तो मैं अपने मामा के गांव जो है वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो फाइनली मैं पुरुलिया बस स्टैंड से ऑटो में चढ़ चुका हूँ और गाइज मुझे छत में चढ़ने का मौका मिला है जो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. जब पुरुलिया में उतरा तो मेरे साथ बहुत बड़ा चीज हो गया क्योंकि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। मेरा गलती यही था कि मैं ऐसे नॉर्मल कंपार्टमेंट में बैठा था, मगर जब उतरने के टाइम पे यहाँ भीड़ था तो मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में जाके उतरने गया, तो बाहर मैं जैसे ही निकला तो
तो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मैंने उन्हें पूछा मेरा गलती क्या है। बोल रहे देखिए अब लेडीज कंपार्टमेंट से उतर रहे हैं। तो मैं भी चौंक गया क्योंकि गाइस अंदर से पता नहीं चलता है कि कौन सा लेडीज है कौन सा जेंट्स है, बाहर से उन्हें से एक बात था। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, फिर वहाँ के जो बड़े बाबू हैं आरपीएफ के रेलवे पुलिस फोर्स के जो बड़े बाबू हैं वो बहुत ही नेक दिल इंसान है गाइस। वो मुझे मैंने उनसे बात किया तो वो मुझे बोले ठीक है दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। मैं बोला सर मेरा ही गलती है कि मैं बगल में चला गया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तुम जा सकते हो। तो चलिए नहीं तो 400 रुपये फाइन मांग रहे थे दूसरे पुलिस वाले। बहुत मज़ा आ रहा है गाइज मेरे, बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। बहुत धूप लग रहा था गाइज तो मुझे लगा कि थोड़ा लस्सी पीना चाहिए तो मैं यहाँ भाई लस्सी बना रहा है और लस्सी बहुत ही सस्ता है गाइज 10 रुपये ग्लास है जो हमारे वहाँ नहीं मिलता है 10 रुपये ग्लास। तो मैंने लस्सी ले लिया है फाइनली, तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे निकाल देता हूँ। और गाइस मैं लस्सी तो ले चुका हूँ, पी के देखता हूँ कैसा बना है भाई। बहुत मस्त है, बहुत टेस्टी है। तो मैं गांव तक पहुँच गया हूँ, लोधुर का गांव तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ अपने मामा के घर। और यहाँ पे देखिए वातावरण, यहाँ का देखिए गाँव का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा गाइस आपको। फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ गाइस अपने मामा के घर। आप देख सकते हैं यही मेरा मामा का घर है और ये घर का गली है। तो चलिए मैं आपको उनसे परिचय करवाता हूँ। यही घर है गाइस, ये घर है गाइस। दोपहर को मेरे को इतना खाना खिलाया, देखिए मेरा मामी से मिल लीजिए। ये है मेरा मामी, हाय करे था एक बार। हाँ तो ये मेरा मामी है गाइस। इतना खिलाइए मेरे को और ये मेरी नहीं दिखाने दीजिए थोड़ा। और ये मेरी भाभी है और ये मेरी भतीजी और ये और एक भतीजी, इधर आओ। सो गाइस जैसे कि मैं बोला था कि मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तो ये मेरे मामा जी है और मामी जी से मैं मिलवा चुका हूँ। 4 साल बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा दोस्त है, मतलब एकदम करीबी दोस्त है, फैमिली वाला है और यहीं रहता है। बोला चले घर का आदमी है, घर का आदमी है, एकदम घर का आदमी है। और हम लोग थोड़ा अभी इंजॉय करेंगे, यहाँ पे गांव में घूमेंगे। मैं अपने मामा के घर से निकल चुका हूँ खाना वाना खा के। गाइस इतना खाना खाया, बाप रे बाप। सब्जी मतलब क्या, चावल से ज़्यादा तो मैं अपना सब्जी खा लिया। देख सकते हो गांव का रास्ता कैसा है। Could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. मैं अभी अपने मामा के साथ निकला हूँ बाइक पे, देख लीजिए। और यहाँ का जो वेदर है गाइस एक नंबर है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत गांव है ये। और हम लोग अभी जा रहे हैं एक डैम के तरफ, गाइस आपको जरूर दिखाएंगे वो डैम और आपको देख के जरूर अच्छा लगेगा वो डैम। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ डैम और गाइस बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। मैं तो बोलूँगा अगर किसी को ताज़ा हवा का मज़ा लेना है तो यहाँ आ जाए क्योंकि बहुत फ्रेश एयर है यहाँ पे। और गांव गांव है, शहर जैसा नहीं है, इसीलिए मैं गांव में ज़्यादा घूमता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको पानी वाला, ये पूरा एरिया पहले एक गाँव हुआ करता था और अभी मतलब ये गाँव को हटा के यहाँ
डैम बनाया गया है और गाइस बहुत खूबसूरत है। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा, यहाँ इस जगह में होटल वगैरह या रिसॉर्ट्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाया हुआ है, तो टूरिस्ट लोगों को आने के लिए गाइस ये एक नंबर जगह है। आप लोग कोई भी यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और फीलिंग्स भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि यहाँ हवा बहुत है गाइस, हवा बहुत है। तो यही वो डैम है, वहाँ का पानी यहाँ आता है और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बहुत गड्ढा है, मुझे भी डर लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से पानी होते हुए वहाँ जाता है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे और एक रिसॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग भी इधर किया हुआ है। देख सकते हैं ये रिसॉर्ट है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा। तो हम लोग डैम से निकल गए गाइस और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो मैंने बच्चे लोगों के लिए गाइस कुछ चॉकलेट वगैरह ले लिया हूँ, वो लोग भी थोड़ा खुश रहेंगे और वो लोगों को भी दे दूंगा। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय।